हमारे सरदार, हमारे सेनापति को जमानत मिली है, इस लड़ाई में हमें उनकी जरूरत थी। उन्हें धोखे से जेल में डाला गया था, न्याय देवता ने न्याय किया है, आज हर शिवसैनिक खुश है। ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत के जमानत के बाद शिवसैनिकों द्वारा शहर में दी गई है। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत पर शहर के तमाम शिवसैनिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में आज मालगी नगर चौक पर सैकड़ों शिवसैनिकों ने बाजे गाजे के साथ अपने नेता संजय राउत के जमानत की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नाचते झूमते हुए जल्लोष के साथ आनंद व्यक्त किया है। संजय राउत आगे बढ़ो, टाइगर इज बैक, संजय राउत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए अपनी भावनाएं इस दौरान व्यक्त की गई। इस दौरान शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने बताया कि आज का दिन शिवसैनिक को लिए दिवाली के समान है, क्योंकि न्याय देवता की कृपा से आज उनके सेनापति का वनवास खत्म हुआ है। पिछले 102 दिनों से शिवसेना अपने सेनापति के अभाव में व्यथित थी, आज दल के सरदार के रूप में राउत की वापसी शिवसैनिकों में ऊर्जा का संचार हुआ है। अब शिवसेना की तोप डबल आवाज से गरजेगी, ऐसा विश्वास सभी ने जताया। इस अवसर पर शहर प्रमुख दीपक कापसे, युवा सेना सह सचिव हितेश यादव, नीलिमा शास्त्री, सचिव मुन्ना तिवारी, विभाग प्रमुख विशाल कोरके सहित सैकड़ों शिवसैनिक इस दौरान उपस्थित थे। पत्राचार प्रकरण में जो है संजय राउत को आज जमानत मिली है कोर्ट द्वारा। यहाँ पे जो है नागपुर शहर में जो है यहाँ पे जल्लोष दिखाई दे रहा है। आपको पता है यहाँ शिवसैनिक जो है हाथ में मशाल लेके जल्लोष करते दिखाई दे रहे हैं, क्या बताओगे? आज प्रत्येक शिवसैनिक बाला साहब को मानने वाला, उद्धव जी को मानने वाला आनंदित उल्लासित है। क्यों? हमारा सरदार, हमारा सेनापति आज न्याय देवता के आशीर्वाद से, न्याय देवता की कृपा से आज उसे जामीन मंजूर हुई है, जमानत मंजूर हुई है। आज खुशी देखने को बन रही है। ये लड़ाई है, क्योंकि हर लड़ाई में एक सेनापति की आवश्यकता होती है। सरदार की कमी महसूस हो रही थी, परंतु आज वो सरदार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और आज उनके उनके कारण आज ये शिवसेना हर्षोल्लासित है। प्रत्येक शिवसेना में वही रक्त का संचार है। ये शिवसेना आदरणीय संजय राउत साहब के साथ, आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में दोगुनी ताकत से क्रांति करेगी, इसका हम वचन देते हैं। जैसे आपने कहा कि दोगुनी ताकत से आप क्रांति करोगे, संजय राउत जो है इन पे नागपुर की जवाबदारी जो है जिम्मेदारी दी गई थी, आने वाले दिनों में चुनाव है, कि क्या बताओगे? बिल्कुल, जो कि यहाँ पे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का शहर, RSS का हेडक्वार्टर, आनंदी रोडकरी साहब का, आदरणीय रोडकरी साहब का शहर, वहां पे संजय राउत साहब को इसके पहले जिम्मेदारी थी, उसके बाद भी संजय राउत साहब के आशीर्वाद से नागपुर का प्रत्येक शिवसैनिक, वैसे भी आप देख रहे हैं कि वो शिवसैनिक जो संजय राउत साहब के आशीर्वाद से खड़ा था, आज किसी भी लालच का बड़ी ना पड़ता, आपके सामने बाइट दे रहा और खड़ा है। ऐसे प्रत्येक शिवसैनिक को उम्मीद थी राउत साहब के आने के बाद एक बार हरा भरा पेड़, दुगनी क्रांति से नागपुर में शहर देखेगा, शिवसेना की क्रांति। हर तरफ जो है संजय राउत के जमानत के बाद जो है हर तरफ जल्लोष दिखाई दे रहा है, नागपुर शहर में भी ये जल्लोष हमें दिखाई दिया। हम तुम्हारे साथ है। आज संजय राउत साहब यांना जे जमानत मिळालेले आहे, हा शिवसेनेचा विजय आहे। कारण संजय राउत हे शिवसेनेचे आमचे नेता आहे, मोठे नेता आहे, ते प्रवक्ते आहेत, आणि संजय राउत साहेबाच्या रूपाने एक प्रगल्भ आन बान शान दमदार तडफदार असा ते व्यक्तिमत्वाचे धनी आणि वक्तृत्वाचे धनी आहेत। आणि त्यांच्यावर जर कोणत्या ते पडद्याच्या मागं नाहून नाही तर पडद्याच्या समोर येऊन विरोधकांवर खळे तोड उत्तर देणारे असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं। आणि आणि असं जे व्यक्तिमत्व संजय राऊत साहेबाच्या रूपाने आम्हाला मिळावं, त्यांच्यावर जे काही केंद्र शासित तपास यंत्रणा आहे, ED आहे, CBI आहे, इन्कमटॅक्स, त्यांच्या रूपाने खोटे नाटे त्यांच्यावर आरोप करून 100 दिवस त्यांना तुरुंगात ठेवण्याचं काम आणि शिवसेनेला कमी करण्याचं, कमकोत करण्याचं काम, जे काही षड्यंत्र जे BJP आणि जे काही खोकेवाले सरकारनं जे केलं होतं ते आता ते खोटे पडलेले आहेत। आणि शिवसेनेचा विजय झालेला आहे, संजय राऊत साहेब बाहेर आल्यानं शिवसेना खऱ्या अर्थानं मजबूत होणार आहे। आणि हा जो बाळासाहेबांच्या शिवसेनेवर विश्वास ठेवणारा हा शिवसैनिक जो आहे, या शिवसैनिक जर शिवसेनेवर कोणत्याही अशा पद्धतीचा हात असेल तर त्या विरोधकांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून हा उत्साह आणि जोश मोठ्या स्वरूपामध्ये या महाडी नगर चौकामध्ये आपल्या शिवसेनेमध्ये दिसत आहे। जमानत मंजूर होने के बाद जो जल्लोष किया जा रहा है